और ये रहा मेरा बॉडीगार्ड, साथ में इसको आज हमको मेरे बस्ती घुमाने के लिए आ रहा है। नाम बता भाई। और सुनवाल। सुनवाल। कदम विलेज को एक्सप्लोर करने का बाद मेर बस्ती को एक्सप्लोर करने अभी मैं निकल पड़ा। और आप देख सकते हैं रास्ता कितनी खतरनाक वाली रास्ता है, और व्यूज आप देखिए कितनी खतरनाक है गाइस। इस तरीके का एक्सपीरियंस करने के लिए ही मैं पासीघाट से दूर मेर और कदम बस्ती देखने आ गया। अभी मैं फाइनली मेर बस्ती पहुँच चुका हूँ, और आप देख सकता है मेर बस्ती का ये है जनरल ग्राउंड। नाम क्या है बताओ? इधर सामने आओ, सामने आओ, सामने सामने आओ। मेरा ज्ञानची। ज्ञानची, टाइटल क्या है? सोनवाल। सोनवाल जी, क्या मिसिंग है ना? क्या है मिसिंग? मिसिंग। और आपका नाम? बिलाद। बिलाद। ओपनर? पांगुंग। पांगुंग। मेरा भैया। भैया नाम क्या है? ओराइती। हाँ, ओराइती। ओराइती। टाइटल? सोनवाल। सोनवाल। और अभी आप लोग क्या गिरा रहा है ऊपर से? सिंगिया है। सिंगिया है। क्या खाने का चीज है क्या? हाँ चलो गिराओ, हमको भी अभी गिरा के खिलाओ। और अभी ये भाई लोग ये सिंगिया ही गिरा रहा है। सिंगिया है, सिंगिया गिरा रहा है। ये एक तरह का फल है, इसको गिरा के इन लोग खाने के लिए। गेटी से पूरा देखो कितना खतरनाक से गिरा। ओ भाई साहब, कितनी खतरनाक से गिरा है। ओ टारगेट तो बढ़िया से लगा है रे। ओ, ओ, लगे अरे हमका डर। और गाइस दिस इज गुलेल, इसको बोलते हैं गेटिस। यहाँ से अभी मैं जो ऊपर में फल देख रहा है वो ऊपर का फल हम लोग अभी गिराएगा ना। देख रहा है सब लोग को। ओए तेरी कहाँ गया पत्थर? दो तो और एक पत्थर दो। इसको अभी भाई कॉल रहा है, और मैं भी इसको खा के देखता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। मैं पहली बार ये चीज़ देख रहा है, कौन सा चीज़ को पकाना है। और ये ला, ये ला, ये वायर वाला चीज़ को खाना है। चलो हमको भी खोल दो, दिखा लेगा। टेस्टी होते क्या? किस तरीके से है? गुटी को खाएगा तो टेस्टी हो रही। गुटी को खाना है। और ये मुझे भाई ने सिंगी गिरा के हमको अभी खिला रहा है। अभी मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ। अभी मैं इसको बिल्कुल खा के देखने वाला हूँ ये कैसा है इसका टेस्ट। लेट मी टेस्ट। थोड़ा टेंगा टाइप से है, बढ़िया है लेकिन। टेस्ट इतना भी ये नहीं है लेकिन बढ़िया ही है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, पहली बार मैं देख रहा है। अगर आपको पता है तो कमेंट में गाइस लिख के बताना ये व्हाट इज़ दिस। दिस इज़ ए काइंड ऑफ फ्रूट्स, ये मेर बस्ती में मुझे पहली बार आज देखने को मिल रहा है। ये बिल्कुल इस तरीके से होता है। गाइस आप देख सकता है मेरा पीछे भाई लोग है, मेरा बॉडीगार्ड आ रहा है। तो अभी ये भाई 100 अभी चश्मा पहनो, चश्मा पहनो। और ये रहा मेरा बॉडीगार्ड, साथ में इसको आज हमको मेरे बस्ती घुमाने के लिए आ रहा है। नाम बताओ भाई। और सुनवाल। सुनवाल। ओ भाई साहब, देख सकते हैं बाकी कितना एंजॉय कर रहा भाई। And guys, you can see here the cute shop. आप दुकान आप देख सकते हैं। इस तरीके का जो दुकान हमें पहली बार आज मेर बस्ती में मुझे देखने को मिल रहा है। और guys, अभी मैं मेर बस्ती जैसे पहुंचा, यहाँ पे बच्चों लोग से मिला, और साथ ही साथ एक मुझे बंदा मिला। तो उनसे हम लोग थोड़ा इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि रिगार्डिंग मेर बस्ती का बारे में थोड़ा कुछ जानने के लिए कोशिश करता हूँ। और ये रहा भैया। तो भैया आपका नाम बताइए सबसे पहले।
मेरा नाम है ताय। नाम है ताय। नाम है ताय। देखिए आप क्या ट्राइब से बिलोंग करता है? मिसिंग ट्राइब ना। और आप रिगार्डिंग जो अभी जैसे कि आप बहुत से अभी भी पार करना पड़ता है, इसका रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम का बारे में आप बोलना चाहेगा कॉपमैन को या फिर कुछ मेरा चैनल का माध्यम से? हम लोग का भी तो प्रॉब्लम तो बहुत होता है, हम लोग का भी तो सामने में ही नदी हो गया कुछ। ये अभी ये सब मेडिकल सर्जिकल ये सब डिलीवरी केस होने से भी आता है ना, पासीघाट में भी जाने नहीं सकते जी। इसमें ब्रिज सीरीज भी नहीं होता है हम लोग का में, तकलीफ तो होता है हम लोग का में जी, बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है हम लोग का। और आप गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहेगा इसका, ये ब्रिज को, ब्रिज का रिगार्डिंग? वही है, बना देने से ठीक था, जल्दी से बना देने से ठीक है ना, जब इलेक्शन का समय में करता है बना रहेगा बोलता है नहीं बना रहता है जी, ऐसे ही मतलब सुना के फिर जैसे समय आ जाता है फिर चला जाता है जी। कितना साल हो गया ये 2000 प्लस से ऐसे करके ब्रिज नहीं है, आप लोग ऐसे ही प्रॉब्लम पेस कर रहे हैं? ओ भाई साहब। और अभी ये ब्रदर्स मुझे बता रहा है कि इन लोग का जो ब्रिज का प्रॉब्लम 2000 अभी तो 23 ईयर्स हो गया, 23 ईयर्स तक इन लोग को इतना प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। तो मैं गवर्नमेंट से वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द जितना हो सकेगा इसमें रोड कनेक्टिविटी प्रॉपर दीजिए और इसमें जो लाइफलाइन कनेक्टिविटी आप लोग प्रॉपर वे में दीजिए, तो बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है यहाँ का लोगों को। और अभी जो ब्रदर हम लोग को इनका घर दिखाएगा, घर स्ट्रक्चर तो हम लोग को दिखाएगा, चलिए दिखा दीजिए। कहाँ से, यहाँ से घुसना पड़ता है? ओ तो अभी हम लोग को ब्रदर इनका घर को थोड़ा दिखाएगा कि कैसा है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं घर, एक इतना प्यारा घर है, सो लुकिंग सो क्यूट। और यहाँ से गेट का एंट्री होता है और आप देख सकते हैं आते ही यहाँ पे कॉमन रूम, इसको क्या बोलते हैं? किंग कोन मतलब ये कुछ ये खाना साना बनाने के लिए जी। और ये क्या बोलता है इसको आप लोग का यहाँ पे? हम लोग का में रम्मा बोलता है, रम्मा ना। और इसको, इसको बोराप, बोराप ना। और ऊपर में जो इसको क्या बोलता है ये, मतलब ये ऊपर में इसको ये कुंभांग बोलता है, कुंभांग, कुंभांग ना जी। और ये इसको क्या बोलता है आप लोग का यहाँ पे? इसको अपो, अपो ना, अपो ही बोलता है जैसे हमेशा कॉमन में बोलता है। और इसको क्या बोलता है ये चीज को? सिदुम में पुत, सिदुम में पुत बोलते हैं ना इस तरीके से। और इसको क्या बोलता है ये आप लोग का? अग्नि, अग्नि बोलता है ना आप लोग का यहाँ पे भी? अच्छा जी, धर्मा पंग, धर्मा पंग, धर्मा पंग। और धर्मा आपका भैया ही क्या? हाँ ठीक है। तो ये ब्रदर का भैया यहाँ पे ये भी आ गया, तो इनका नौकर है कुमार और पड़ोसी। ओ ये ऊपर में है ना, तो ये भी आ गया। हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, हम लोग यहाँ पे क्या करने आया, भैया भी देखने आ गया। और गाइस अभी हम लोग गाडुम विलेज में जो होम टूर्स करना था, तो हम लोग झलक देख लिया। तो जैसे आदि लोग का है एग्जैक्ट सेम है, यहाँ पे भी बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। तो आगे हम लोग बढ़ते रहेगा, उसमें क्या है क्या चीज़ है हम लोग जितना एक्सप्लोर कर पाएगा हम लोग करने कोशिश करता है। जैसे कि आपको लास्ट ब्लॉग में मैंने दिखाया, इस तरीके का जो हट्स होता है, डस्टबिन है, जो कि ये एरिया में बेसिकली इसमें ये प्रैक्टिस किया जाता है। और बस्ती में आप देख सकता है बढ़िया तरीके से वॉलीबॉल का आनंद लेते हुए यहाँ का जो बस्ती वालों इतना बढ़िया तरीके से आनंद ले रहा है। और गाइस अभी मैं जैसे मेर बस्ती में पहुंचा, थोड़ा आपको जितना घर दिखाना था थोड़ा दिखा लिया। और अभी मैं फिलहाल एक अंकल से मिला, ये एक वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल पर्सन फ्रॉम मेर गाडुम सर, जो अभी हमको बताएगा ये अंकल जो मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ रिचुअल का कुछ यहाँ पे उन लोग कंडक्ट किया गया है, इसको क्यों करता है इसको थोड़ा बता देगा। चलिए सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम विनोद परमे, जीबी, जीबी मेयर जी, गामपुरा मेयर। हाँ, गाम। ओके ठीक है। तो अभी आप
बता सकता है कि मेर बस्ती में कितना हाउस है? 155 हाउस। 155 ना? टोटल पॉपुलेशन कितना? टोटल पॉपुलेशन तो 8900। ओह 8900। 8 to 900। जी। और आप क्या गवर्नमेंट से कुछ बोलना चाहेगा रिगार्डिंग जो जैसे कि मेर और गादुमलो का बस्ती वाला ये आइलैंड जैसे जगह में बस गया तो जैसे पासीघाट जैसे एरिया में आप लोग को कुछ करना है, मेडिकल इशू में जाना है तो क्या प्रॉब्लम आप लोग को मिलता है, क्या गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कुछ? प्रॉब्लम तो ये तारतम्मा का घाट में नंबर वन प्रॉब्लम है जी। हम लोग का इधर जो बीमारी होने से भी, रात को होने से भी ना, दिन को होने से भी घाट का वजह से जाने नहीं सकते जी। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम जी। और स्टूडेंट लोगों को भी बहुत तकलीफ है। स्टूडेंट भी ऐसा ही है, सब तकलीफ में है जी। तो गवर्नमेंट से आप कुछ बोलना चाहेगा इसका रिगार्डिंग? इसका रिगार्डिंग हम लोग ये गवर्नमेंट को ये बोलना चाहेंगे कि हम लोग का इधर से कुछ मेडिकल पासीघाट में ही जाना पड़ता है ना जी। इसलिए ये तारतम्मा घाट को ब्रिज बनाने से रात को भी हम लोग जा सकेगा, दिन को भी जा सकेगा, वही हम गवर्नमेंट से अपील करने से। ठीक है सर, ठीक है। जैसे अभी आप लोग को ब्रिज का प्रॉब्लम का रिगार्डिंग अंकल ने आप लोग को रिक्वेस्ट किया, इसी तरह अभी इसमें हम लोग अंदर में थोड़ा घुसेगा, इसमें क्या चीज़ है, इसको क्यों करता है, थोड़ा हम लोग को एक्सप्लेन कर देगा। चलिए, ये क्यों बनाया जाता है आप थोड़ा बता दीजिए। ये दान का घर है जी, दान का घर। दान का घर, हम लोग आलिया लिगांग में इसमें ये पूजा करता है, पूजा करता है। ताकू ताबाद ये जो करता है ना जी जी, ब्लैक ऑफ थिंग भी करता है जी, इस तरीके से ना। मतलब ये आलिया लिगांग, मतलब आलिया लिगांग में लिगांग ये करने से हम लोग का दान उन जो लगाना है ना जी जी, वही उसी के खेती के लिए जी। फला फूले धान जो फला फूले, मतलब कीड़ा सीरा नहीं खाने के लिए बेसिकली इसको पूजा किया जाता है। ये दिस इज वन काइंड ऑफ रिचुअल जी। और ये भी इसी तरह से बना जी। तो ये मनाया जाता है कि युपो में मतलब ना कुछ आग सा का ना लगे, मतलब कुछ इशू ना हो, इसीलिए इसको पूजा करता है। रेस कैम्प ना, ठीक है। तो अभी जी भी मेयर बस्ती का मिलके बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आई डू थैंक यू सर। और गाइस, मैं आज सोचा था कि दम्बुक निकल जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शाम हो गया। और लकीली मुझे एक यहाँ पे कॉलेज का एक क्लासमेट मैथ्स मिल गया, मेयर बस्ती का एक बंदा है। तो उन्होंने बोला कि चलो यहाँ पे आज बैठ जाओ, तो इसका घर में आज मुझे हॉस्पिटेलिटी यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे आज मैं रहूँगा। अभी हम लोग डिनर करने जा रहा है। मेरा जो पुराना दोस्त है बाबा परमे जी, इनको मैं आगे आपको अच्छे से इंट्रोड्यूस करूँगा। और हेड ऑफ द फैमिली यहाँ पे अंकल और आंटी है यहाँ पे, और अंकल आंटी इन लोग आज हम लोग के लिए डिनर अच्छा से प्रिपरेशन किया। यहाँ पे मीट का साथ हमें और राइस का साथ एकदम बढ़िया से हम लोग को प्रिपेयर किया, और हम लोग आज मज़ा से खाएगा।